हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और मोबिलिटी के बारे में। तो मोबिलिटी किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को शो करता है, यानी कंडक्टिविटी किसी मटेरियल में मैटर में किसकी वजह से होती है उसकी बारे में हमको जानकारी है, मोबिलिटी से होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये लिक्विड में होता है आयन, लिक्विड में आयन कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और गैसीय स्टेट में अगर कोई मैटर होता है तो उसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। इस सब चीज को हम लोग समझ रहे हैं, तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी को कैसे हम लोग जानते हैं। तो मोबिलिटी मीन्स होता है कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल या मीडियम ड्यू टू मोबिलिटी या मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर के कारण उसकी मोबिलिटी आइडेंटिफाई होती है। क्लियर? तो हम लोग मोबिलिटी को देखते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे करंट डेंसिटी की ओर। देखिए मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू है, MU, म्यू। मोबिलिटी क्या होता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू बोलो तो MU। क्लियर है, समझ रहे हैं बातों को। कह रहा क्या, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, इट इज इक्वल बाय म्यू। अब मोबिलिटी इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं मोबिलिटी इज इक्वल टू लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय हो जाएगा हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे, VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, ये फॉर्मूला था। अब देखिए इसमें VD का मॉडुलस लगाएंगे हम लोग तो ई टाउ बाय एम आएगा, माइनस हट जाएगा मॉडुलस लगाने पर, मॉड लगाने पर माइनस हट जाएगा, तो ये चीज आ गया हम लोगों के पास। म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ VD, NCRTC फॉर्म में लिखा है, बाय ई। अब देखिए VD का वैल्यू हम लोग रखते हैं ई टाउ बाय एम इंटू ई, ई कैंसिल हो गया तो मोबिलिटी का हो गया हम लोग ई टाउ बाय एम, वेयर ये जो है हम लोगों को रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये मोबिलिटी है। तो करेक्ट, समझ गए हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, इज यूनिट बाय म्यू। एक चीज मैं आपको समझा दूं, किसी भी मटेरियल का मैंने बोला कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग मोबाइल चार्ज कैरियर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मोबाइल चार्ज के बारे में जानते हैं। जो मोबाइल चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं वही तो हम लोग मोबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो मोबिलिटी समझ में आ गई, करेक्ट। अब देखो यूनिट क्या होगा इसका और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। देखिए यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है, देखते हैं इधर थोड़ा सा ध्यान से। म्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा,
नो मोड ऑफ वी डी अपॉन ई, और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है बेसिक यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, वी डी का यूनिट हम लोगों का आ जाएगा मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज होता है न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। इस चीज को हम लोग यहाँ रखेंगे न्यू इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड बाय वोल्ट पर मीटर। अब देखिए मीटर मीटर ऊपर चला जाएगा, म्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं इसको। ये ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, ऐसा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का प्रैक्टिकल यूनिट होता है ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट यही रहेगा, सेकंड इनवर्स सेकंड टू पावर माइनस वन ये भी होगा। अब एक डाटा है हम लोगों को, जैसे वन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड को लिख सकते टेन टू पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ये वैल्यू हो गया। एनसीईआरटी लिखा भी इस चीज को। अब देखते हैं हम लोग इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, डायमेंशन देखते हैं मोबिलिटी का। डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी देखिए, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का डायमेंशन हम लोग म्यू इज इक्वल टू भी देखे ई टाउ बाय एम, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट होता है कूलम, कूलम रिलैक्सेशन टाइम, टाइम कुछ भी हो सेकेंड आएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये केजी में आएगा, और आपने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो सी इज इक्वल टू पढ़ेंगे हम लोग एस, सी इज इक्वल टू एस। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं म्यू इज इक्वल टू ए एस इंटू एस बाय के जी, के जी पावर वन है तो ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, के जी माइनस वन एस स्क्वायर ए। अब इसका डायमेंशन करेंगे हम लोग, म्यू का डायमेंशन हो जाएगा एम माइनस वन, एम माइनस वन आ गया, लेंथ नेट एल जीरो आ गया, सी स्क्वायर ए आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये लिखा जा सकता है एम माइनस वन टी स्क्वायर ओ ए, ऐसे भी लिखते मोबिलिटी।